नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए श्वेता जैन और आज मैं आपको बताऊंगी कि टेली में परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे की जाती है। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। जब हम परचेस रिटर्न करते हैं तो इसके लिए हम डेबिट नोट के थ्रू वाउचर एंट्री करते हैं और यदि सेल्स रिटर्न करते हैं तो क्रेडिट नोट के थ्रू इसको बुक किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम परचेस रिटर्न को देखते हैं। इसके लिए हम एक परचेस ले लेते हैं, ये परचेस अकाउंट में जाते हैं। परचेस ये देखिए, ये वाली परचेस हम लेते हैं। हमने साई इंटरप्राइजेस से माल परचेस किया था, एक्सरसाइज बुक्स। कितनी बुक्स ली थी हमने? 1000 बुक्स हमने परचेस की थी 100 रुपए के रेट पर, और उस पर CGST और SGST लगा हुआ है 6-6% का, यानी कि टोटल 12% का GST लगा हुआ है। और इसका बिल नंबर क्या, परचेस का जो सप्लायर का इनवाइस नंबर कौन सा था? 201। सप्लायर का इनवाइस नंबर 201 था, इसके अगेंस्ट ही हम अब क्या करेंगे, परचेस रिटर्न करेंगे। तो ये नंबर आप ध्यान रखिएगा, 201 के अगेंस्ट हमको रिटर्न करना। हमें मान के चलते हैं कि 50% बुक्स हमने रिटर्न कर दी है। चलिए अब हम परचेस रिटर्न की एंट्री करने के लिए बाहर चलते हैं। गेटवे ऑफ टेली में आकर हम वाउचर्स में आएंगे। परचेस रिटर्न जिसे मैंने बताया, इसके लिए हमको क्या चाहिए, डेबिट नोट। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे आपको डेबिट नोट नहीं दिख रहा है, इसके लिए हमको F10 अदर वाउचर्स पर क्लिक करना है। अदर वाउचर्स के अंदर हम जाते हैं, डेबिट नोट पर क्लिक करेंगे। ये डेबिट नोट ओपन हो गया। यहाँ पर देखिएगा साइड में चेंज मोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ चेंज मोड में जाना है। और आपको सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न के केस में हमेशा आइटम इनवाइस को ही सिलेक्ट करना है। आइटम इनवाइस में अब सबसे पहले हमको पार्टी अकाउंट का नाम लेना है। तो हमने किससे परचेस किया था? साई इंटरप्राइजेस से। साई इंटरप्राइजेस ले लेते हैं। यहाँ पर आपको डिस्पेच की डिटेल देना है। उसके बाद ओरिजिनल इनवाइस क्या था हमारा, 201, डेट 1 जुलाई। उसके बाद पार्टी की डिटेल, लेजर कौन सा था, परचेस। यहाँ पर आप परचेस के अकाउंट में भी परचेस रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप चाहें तो परचेस रिटर्न एक सेपरेट अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप परचेस रिटर्न का सेपरेट लेते हैं तो यहाँ पर लेजर कौन सा लेंगे आप, परचेस रिटर्न वाला, या फिर आप परचेस में भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमने ले ली परचेस, कौन सी हमारी, परचेस टैक्सेबल थी। अब यहाँ पर हमने क्या रिटर्न किया, एक्सरसाइज बुक्स। एक्सरसाइज बुक्स ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ रही है 1000 बुक्स, हमने इसमें से कितनी बुक्स रिटर्न कर दी, 500। रेट उसने वही ले लिए जो उसके परचेस के टाइम पे, इसी रेट पे हमने परचेस की थी। अब हमको इसका टैक्स भी लेना पड़ेगा, CGST। कितनी, किस रेट से था वो, 6-6%, तो 6% से यहाँ पर भी ले लिया। फिर आएगा SGST। अच्छा, यहाँ पर यदि मान लिए CGST SGST नहीं होता और इंटर स्टेट होता तो फिर इस केस में हम क्या लेते, IGST। मतलब जो परचेस हमने किया था उसी बिल के हिसाब से आपको पूरी डिटेल आपको यहाँ पर लेनी है। इंटर किया, अगेंस्ट रेफरेंस, किसके रेफरेंस में लिया अभी हमने, 201 के। यहाँ पर आप नरेशन दे परचेस रिटर्न का, पूरी नरेशन में आप मैक्सिमम डिटेल दें, एक्सेप्ट यस। तो इस तरह से हमारा परचेस रिटर्न बुक हो गई। अब हम सेल्स रिटर्न भी देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न के लिए हम सेल्स देख लेते हैं। पहले कोई सा एक बिल ले लेते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट में जाते हैं, ये जुलाई का बिल देख लेते हैं। देखिए मोहन लाल को हमने माल बेचा है, हमारा इनवाइस नंबर था 3, डेट थी 1 जुलाई। एक्सरसाइज बुक्स बेची है हमने, 500 बुक्स बेची है 140 की रेट पर, और टैक्स वही 6% से लगा हुआ है, CGST SGST। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न मान के चलते हैं कि मोहन लाल ने हमको 50% बुक इसने हमको रिटर्न कर दी। तो अब हम वापिस से जाएंगे, कहाँ जाना होगा इसके लिए हमको, वाउचर में। अब सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न के टाइम हमने डेबिट नोट बनाया था, सेल्स रिटर्न के लिए हमको क्रेडिट नोट बनाना होता है। तो हम इसके लिए वही अदर वाउचर्स पर जाते हैं। अदर्स वाउचर में हमको क्रेडिट नोट मिलेगा, क्रेडिट नोट पर क्लिक करना, इंटर किया, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में भी आप ध्यान रखिएगा कि चेंज मोड करके आपको कौन सा लेना है, हमेशा आइटम इनवाइस ही लेना है। पार्टी का, किस पार्टी को हमने माल बेचा था, मोहनलाल को, ये मोहनलाल से रिटर्न आया है तो मोहनलाल, या रिसिप्ट डिटेल देना है। ओरिजिनल इनवाइस नंबर क्या था, 3, डेट 1 जुलाई, ये पार्टी की डिटेल। लेजर से, अब यहाँ पर क्या था, सेल्स रिटर्न था, तो इसका लेजर कौन सा था, सेल्स का।
यदि आप यहाँ पर भी वही बात है कि यदि चाहें तो सेल्स रिटर्न का अलग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप अलग लेजर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आप सेल्स लेजर ले, सॉरी सेल्स रिटर्न अकाउंट का लेजर ले, और या फिर आप सेल्स भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स टैक्सेबल। उसके बाद क्या आता है, कौन सी बुक्स हमने हमको रिटर्न आई है, तो एक्सरसाइज बुक्स, देखिए 500 बुक्स थी उसमें से हमने 250 बुक्स रिटर्न कर दी, वही 140 की रेट उसने ले ली है, ये अमाउंट आ गई। उसके बाद सीजीएसटी उसी रेट पे जो ओरिजिनल बिल में था 6% से, ये 6% से ले लिया उसने। फिर एसजीएसटी, ये भी 6% की रेट पे उसने ले लिया। यदि आप इनवाइस में जीएसटी डिटेल चाहते हैं, यहाँ पर हम नो करेंगे। उसके बाद इसके अगेंस्ट लिया हमने ये थ्री नंबर के अगेंस्ट ले लिया, एक्सेप्ट यस। ठीक है, ये हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हो गया। अब इसका इफेक्ट हम GSTR 3B में, पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख लेते हैं, परचेस अकाउंट में जाते हैं, परचेस में गए। ये देखिए 1 लाख की परचेस थी जिसमें से हमने 50,000 उसके कम हो गए, तो हमारी जो नेट परचेस थी वो उस कितनी बची है, 50,000 रुपए की। ये जुलाई मंथ की बात कर रही हूं मैं। ऐसे ही सेल्स अकाउंट में जाते हैं, सेल्स अकाउंट में गए जुलाई में, 70,000 रुपए की सेल की थी उसमें से 35,000 रुपए की सेल्स रिटर्न हो गया है। इसके लिए हमने हमारे क्रेडिट नोट का डिटेल हो गई, तो अब टोटल इस महीने की सेल क्या हुई हमारी, 35,000 रुपए की। इस तरह से हमको परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री करना है। इसका इफेक्ट हम GSTR 3B में भी देख लेते हैं। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके अंदर हम जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट्स में, GSTR 3B देख लेते हैं। GSTR 3B के लिए हमको पीरियड चेंज कर लेते हैं, पहले 1 जुलाई से ले लेते हैं। देखिए जुलाई जुलाई का आ गया, यहां से आप साइड में आप देखेंगे चेंज व्यू, या फिर आप F12 में जाते हैं, F12 में आप यहाँ पे देखिए शो टेक्स टाइप्स इन सेपरेट कॉलम, यहाँ पर यस कर दे। फिर फॉर्मेट आप रिपोर्ट्स में हम डिटेल लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाई जो माल हमने सेल किया है उसकी डिटेल आ गई है। इसमें देखिए दोनों उसने सेल्स और क्रेडिट नोट दोनों उसने ले लिए हैं, और नेट उसने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई बता दी है। अब इस महीने हमारी एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी रही है, 3,000, ये भी देख लेते हैं हम लोग, इसको इंटर करेंगे। देखिए इंटर करते हैं, ये ऑल अदर, ये किस में आएगी, ये वाली इनपुट टैक्स क्रेडिट इंपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पर आएगी ऑल अदर इनपुट टैक्स क्रेडिट में। ये देखिए इसने यहाँ पर डेबिट नोट का इफेक्ट ले लिया, और जो फाइनल आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट की वो यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह से आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का दोनों का यहाँ पर हमने देख लिया है कि कैसे हम परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं, और उसका इफेक्ट GSTR 3B में जाता है।